नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लगन क्या होता है और आप कैसे जानें कि आपका लगन कौन सा है। दोस्तों, लगन और राशि दोनों अलग-अलग होते हैं। आपकी राशि क्या है, इसका पता जब चलता है जब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होगा तो वो आपकी राशि बन जाएगी। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि लगन क्या है। इसका पता जब चलता है जब आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में, यानी जहाँ से सनराइज करता है, जो भी राशि होगी उसी राशि का आपका लगन बन जाएगा। दोस्तों, नक्षत्र, गण, लगन और राशि, इनका हमारे मानसिक व बौद्धिक स्थिति पर, व्यवहारिक कुशलता पर, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य, इन पर पूरी तरह से प्रभाव रहता है। जब आप अपनी जन्म पत्री देखते हैं, उसमें आप चार्ट देखते हैं, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सा जो नंबर है वो किस राशि को डिनोट करता है, यही बताने के लिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा होता है वो मेष राशि होती है, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ होता है वो वृष राशि होती है, और जहाँ 3 नंबर लिखा होता है वो होती है मिथुन राशि। ठीक इसी तरह से 4 नंबर कर्क राशि का होता है, 5 नंबर सिंह राशि का, 6 नंबर कन्या राशि का होता है, तुला राशि का 7वां नंबर होता है और वृश्चिक राशि 8वें नंबर की होती है। 9 नंबर जो होता है वो धनु राशि का होता है, 10वां नंबर मकर राशि का होता है। ठीक इसी तरह से कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है और 12वें नंबर की जो राशि होती है वो होती है मीन राशि। अब बात करते हैं कि आप कैसे जानें कि आपका लगन कौन सा है और लगन किसे कहते हैं। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा हिस्सा येलो कलर में देख रहे हैं, इसे लगन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लगन लिखा हुआ है, ASC यानी असेंडेंट, इंग्लिश में इसे असेंडेंट बोलते हैं, इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, पहला भाव भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेष लगन का चार्ट है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृष लगन का चार्ट बन जाएगा, 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन लगन का चार्ट बन जाएगा, 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लगन का चार्ट बन जाएगा, 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लगन का चार्ट कहलाया जाएगा, 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या लगन का चार्ट बनेगा, 7 नंबर तुला लगन का चार्ट, 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लगन का चार्ट बन जाएगा, 9 नंबर लिखा हुआ है तो धनु लगन का चार्ट बनेगा, अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लगन का चार्ट कहलाया जाएगा, अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लगन का चार्ट बन जाएगा, और अगर यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो ये आपका मीन लगन का चार्ट कहलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी कि लगन किसे कहते हैं। आप खुद अपनी जन्म पत्री खोल कर आप जान सकते हैं कि आपका लगन क्या है। आगे भी और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।